Hey guys, welcome back to my new YouTube vlog. Another day, another vlog. तो आज का vlog जो है काफी interesting रहने वाला है. तो क्योंकि आज weekend था, finally एक hectic work schedule के बाद finally weekend आया. हम finally कहीं घूमने जा रहे हैं again. तो टीना बताएँ, टीना हम कहाँ जा रहे हैं? Victor Harbour. तो guys हम north beach रहते हैं जो कि completely south Australia का northern side है. हम जाएंगे southern side जो बिल्कुल bottom end पे है. तो विक्टर हार्बर यहाँ से 300 किलोमीटर दूर पड़ेगा. देखते हैं, 3 घंटे की ड्राइव है. हम 6 बजे उठ चुके थे. ब्रेकफास्ट हमने साथ में पैक कर लिया, अगर आपको दिखाएं तो. उनमें हमारा ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग टी है. माता रानी की हमने पूजा कर ली है. बाकी टीना क्या क्या का प्लान है आज का? आज हम जाएंगे विक्टर हार्बर, वहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे, देन जाएंगे हम गोलवा, वहाँ से वापस आएंगे विक्टर हार्बर, देन हम जाएंगे ग्रेनाइट आइलैंड. Yeah. बहुत सारा फन करने वाले हैं. तो गाइस विक्टर हार्बर से गुलबा के एक कोकल ट्रेन चलती है, काफी एक जो पुराने स्टाइल की जो स्टीम इंजन पे चलती है वो है. उसको एक्सप्लोर करेंगे, दोबारा फन करेंगे, अपनी जो चाइल्डहुड मेमोरीज उनको हम चेरिश करेंगे. जैसे छोटे होते हम जम्मू और कश्मीर के अंदर जैसे जाते थे तो वहाँ पे स्टीम इंजन के वहाँ पे राइड इंजॉय करते थे. तो वैसे ही हम मैं टीना को ये ऑस्ट्रेलिया की जो स्टीम इंजन ट्रेन है उसके ऊपर लेके जाएंगे. उसको आई होप उसको ये पसंद आएगा. तो बने रहिए इस वीडियो के ऊपर. Till the morning, duvet days and vanilla ice cream. जैसे हमने कल प्लान करा कि घूमने का, तो हमारा प्लान था काफ़ी फ़न करेंगे. टीना सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं उन प्लेसेस पे पहले भी काफ़ी बार जा चुका हूँ, लेकिन टीना के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहने वाला था. और शी वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं ये कपड़े डालूँगी, मैं वो करूँगी. और फर्स्ट 1 घंटा हुआ है ट्रैवल का, अभी पड़ा 1 घंटा और 48 मिनट का सफ़र अभी बाकी पड़ा है. और लुक एट हर, ये रहता है ट्रैवल. More than just one night together exclusively. Baby, let me be your man. So I can love you. It's going down tonight. Adelaide guys पहुंच चुके हैं. एडिलेड के बिल्कुल सेंटर के अंदर है और 80 किलोमीटर यहाँ से दूर विक्टर हार्बर का रास्ता है. 1 घंटा और 8 मिनट का रास्ता बचा. जो हमारा एक्सपेक्टेड ETA था पहले वो था 11 o'clock, आई थिंक 11:08 का, लेकिन हम 20-22 मिनट लेट हैं क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है. आगे एक एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि अभी मैंने पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ी देखी है. तो आई होप जिनका भी एक्सीडेंट हुआ है वो ठीक है, ओके हैं. तो जो हमारे पास काफ़ी टाइम है विक्टर हार्बर के अंदर. हमने गुलवा जाना है ट्रेन पे स्टीम इंजन के ऊपर. जो कोकल ट्रेन है वो सेम ट्रेन है जो गाइस जो हम जम्मू के अंदर या पठानकोट के अंदर वो जो हिल्स के बीच में से निकलती है ना एक छोटी सी स्टीम इंजन वाली ट्रेन. तो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है इंडिया और ऑस्ट्रेलियन के अंदर उस ट्रेन के बारे में. तो उसके ऊपर ट्रैवल करेंगे. उसको ट्रैवल इतना अच्छा रहने वाला है कि वो 30 मिनट्स का ट्रैवल रहेगा, लेकिन सबसे बढ़िया बात है वहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा होने वाला क्योंकि एक सी व्यू आपको दिखेगा. एक तरफ आपको हिल्स दिखेंगी, दूसरी तरफ आपको सी व्यू दिखेगा. तो वो आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो जो वेदर है वो काफ़ी काम है, तो समुंदर भी काफ़ी काम रहेगा. तो आपको व्यूज़ और पानी जो बिल्कुल ब्लू और अच्छा दिखेगा देखने में. और वहाँ से हम गुलवा से आएंगे, गुलवा से वापस आके विक्टर हार्बर. विक्टर हार्बर के अंदर ग्रेनाइट आइलैंड है, काफ़ी पॉपुलर है. एक आइलैंड है लाइक 200-300 मीटर्स जो कि मेनलैंड से. वहाँ पे एक ट्रायल है, हम वहाँ पे लेंगे, ट्रेल पे करेंगे. उसके बाद हम वापस एक लोकल ज़ू है, लोकल ज़ू के अंदर विजिट करेंगे. लोकल ज़ू जैसे टीना और लोकल और ऑस्ट्रेलियन नेटिव एनिमल्स हैं उनको नहीं जैसे पहले नहीं देखा, जैसे कि कैंगरू हो गया या बाकी जो एनिमल्स हैं जब वो अभी क्रोकोडाइल यहाँ के सोल्ट वाटर वाले वो काफ़ी बड़े साइज़ में हैं, तो इनको वो एनिमल्स दिखाऊंगा.
बाकी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी अच्छे सुंदर शॉट देखने को मिलेंगे आपको। अभी के लिए काफी ज्यादा ट्रैफिक है, अगर आप टीना अगर आप ट्रैफिक दिखाओ तो काफी ज्यादा है, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से काफी भीड़ हो चुकी है जिसकी वजह से हम काफी लेट हो चुके हैं। कोई बात नहीं गाइस, टेंशन नहीं लेनी, ट्रैफिक है बट खुल जाएगा और हम पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे। तो गाइस फाइनली हम विक्टर हार्बर पहुंच चुके आफ्टर 2 hours and 30 minutes और 40 minutes की ड्राइव के बाद। तो रास्ता में काफ़ी मौसम भी ख़राब था, लेकिन यहाँ पे भी ख़राब है, बारिश आने वाली है। सो फार जो हमने ETA था हमारा 11:30 था, लेकिन अपने अराइवल टाइम से हम लेट हो चुके थे जिसकी वजह से हमारी ट्रेन मिस होगी। लेकिन हम वेट कर रहे हैं सेकेंड ट्रेन का, क्योंकि हमने बोला था, प्रोमिस करा था कि आज आपको यहाँ की जो स्टीम इंजन की ट्रेन की राइड आपको करवाएंगे, तो हम करवाएंगे ज़रूर। तो हमने अब जाएंगे हम टिकट बाय करके हम वेट करेंगे 1 hour and 30 minutes। इन द मेन टाइम जो वेटिंग टाइम होगा, हम दूसरी तरफ बीच है उस साइड जाएंगे, थोड़े वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन एंड टिकट हाउस। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइमिंग, यहाँ पे जो ट्रेन की वो लिखी हुई है, जो पहली जो ट्रेन थी वो 11 o'clock थी, वैसे भी हम मिस कर चुके थे वो ट्रेन। तो सेकंड जो सेशन है वो 1:30 के, और उसके बाद लास्ट सेशन है वो 3:45 है, लेकिन वो नो रिटर्न है। हमने रिटर्न भी करना है यहाँ पे वापस, क्योंकि हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क है, तो हम ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि हमें वापस आने में दिक्कत रहेगी। तो हम 1:30 वाला करेंगे, अब 1:30 के लिए हम टिकट बाय करते हैं। टिकट्स बाय कर ली हमने, टीना और मैं, हमारी रिजर्व सीट है यहाँ पे फर्स्ट क्लास में, तो यहाँ पे वेट करेंगे। काइंड ऑफ सिमिलर है ना, जैसे इंडिया में पहले वो गत्ते की टिकट मिलती थी येलो कलर की, तो वैसे ही है 375। बाकी भी ऐसे ही है, कोई हमारी स्पेशल नहीं है, बस वैसे ही डिफरेंट सीट्स बनी है। काफ़ी बड़ी अच्छी थीम रखी है इन्होंने, तो ये रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू है यहाँ पे। बाकी जो लोकल शॉप्स हैं वो यहाँ पे है। अभी हम वापिस जाएंगे अपनी गाड़ी में और अपनी अपनी जैकेट उठाएंगे, क्योंकि काफ़ी ठंड हो चुकी है, मौसम काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट है, रेन का कोई पता नहीं कब मर्जी आ सकती है, तो इसलिए हम वापिस जाएंगे, जैकेट उठाएंगे और वापिस हम कहीं और देखते हैं। अभी काफ़ी टाइम है ट्रेन के आने का। क्या कर दूं? एक सुंदर फोटो खींच दो, वीडियो ना बनाओ फिर तेरी, वीडियो बाद में बना लेना, पहले मेरी फोटो खींच दो। चलो गाड़ी तो लॉक कर दो, चलो कहाँ जाना है, चलते हम यहाँ पे कहाँ पे, चलो लेके चलो, कहाँ लेके चलो, क्या चीज अच्छी लग रही है यहाँ पे। अच्छा yes. रोड देख के क्रॉस करियो, मर्च नहीं मरती, मैं तुम्हारा खून पी के तुम्हें तंग करके मेरी आत्मा तक तुम्हें तंग करेगी, इतना चाहते हो मैं मर मर। किसी तरह के लिए इस साइड सीरीज ऑफ पाइन ट्रीज है, काफ़ी सुंदर देखने में। और टीना वापिस नीचे आऊँ, ख़राब है मौसम आज, काफ़ी पानी गंदा भी लग रहा है, मिट्टी हुई पड़ी सारी, वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा डर लगता है, इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जब बंदा बीमार होता है तब अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, बोलेंगे 2-3 दिन बाद आना अगर इमरजेंसी नहीं है तो। हाँ
उससे पहले अभी मैं वहाँ पे लेके चलती हूँ। अच्छा। बहुत सारे कैफे भी हैं और सब कुछ है घूमने के लिए भी और एंजॉय करने के लिए भी। थोड़ा तेज बोलो गाइस। और एक फन पार्क भी है वहाँ पे जहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं सारे। अच्छा यस। हम चले झूले ले जो आगे आगे दिखाऊं। आप हो यहाँ के लोकल 10 दिन में पक्के ऑस्ट्रेलियन। आपने कभी आज से पहले देखा ऐसा? ना आई पहली बार हूँ, मेरे को पता ही नहीं था ये चीज भी है यहाँ पे। तभी तो बता रही हूँ आपको। सांप वैसे एक ग्रीन स्नेक के जैसे लग रहा है, देखिए रियल जैसे स्नेक हो। ये मुझे अच्छी लगी मटिया की। कैसा लग रहा काफी। बोल रही थी ना हॉर्न सुनने को नहीं मिल रहे, पीप 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 नहीं सुनने को मिल रहे। काफी अच्छा लग रहा मुझे। काफी अच्छा लग रहा। आफ्टर 10 और 11 डेज द हॉर्न सुन। चलो दिस वन। तो गाइस हम गुलवा पहुंच चुके थे, 2 बजे का टाइम है, 2:45 पे ये ट्रेन जो पीछे खड़ी है इसी पे हम वापस आए थे और इसी पे हम वापस जाएंगे विक्टर हार्बर की ओर। अभी हम लेक साइड पे हैं, बैठे हैं, व्यू एंजॉय कर रहे हैं। तो टीना आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया था। तो गाइस एक्सपीरियंस मैं टू बी ऑनेस्ट ए वॉज अनरियल। जो चाइल्डहुड की जो मेमोरी थी वो सारी रिफ्रेश होगी, एक चेरिश करने का मौका मिला। अभी हम जाएंगे कैफे के अंदर जो उस साइड है, उस साइड कैफे जाएंगे, कॉफ़ी लेंगे और थोड़ा एंजॉय करेंगे व्यू को और वापस हेड बैक करेंगे विक्टर हार्बर की तरफ। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो पर। तो गाइज हम गुलवा पहुंच चुके थे, गुलवा में आके हम एक कैफे पे रुके। कैफे पे हमने 2 चाय लाटे ऑर्डर करी और एक केक और एक मरेंग ऑर्डर करा।
टीना, ये ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट्स हैं। आई होप आपको ये डिजर्ट्स अच्छे लगेंगे। कैसा लग रहा है देखने में डिजर्ट? देखने में तो अच्छा लग रहा है। कौन कौन सा ट्राई करना है? दोनों ट्राई करना है। ओके ठीक है जी। तो अभी गुरुवार से जस्ट ट्रेन डिपार्ट करी है विक्टर हार्बर, जो 35 और 40 मिनट्स का जो यहाँ से समय लगेगा ETA टोटल में। रास्ते में दो स्टॉप्स आएंगे, सेम पोर्ट एलियट और एक और जो स्टॉप था रास्ते में, काफ़ी फन करा गुरुवार के अंदर। हमारे पास काफ़ी कम टाइम था, सिर्फ 30 मिनट्स थे हमारे पास, तो हमने क्विकली हम एक लेक साइड पर बैठे, वहाँ का व्यू इन्जॉय करा। उसके बाद हम कैफ़े गए, कैफ़े के अंदर फूड इन्जॉय करा, फूड काफ़ी टेस्टी था। वही मेरी फेवरेट चाय लाटे, और हम उसके साथ पीना को मैंने ऑस्ट्रेलियन जो टी स्नैक्स थे उसके साथ कॉफ़ी स्नैक्स जो भी आप बोलो वो एक्सपीरियंस करवाए, काफ़ी अच्छा टेस्ट था उसका। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा टीना? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इंडियन ट्रेन से बहुत डिफरेंट ट्रेन है ये। अच्छा यस, सी गाइस खा लो। चलो छलांग लगाओ। अपनी जैकेट उठा ली। एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। आप अपना अपने आप मांगना विश। मेरे पास है मेरा, ये रहा मेरा। तो मेरे को दो दिए। कोई नहीं, दो विश मांग ले। इधर रुक जा। बताना नहीं बस किसी को। और निकालने मत बैठ देना। निकालने के बैठूंगी, देख रही थी। गया वो जहाँ जाना था। अच्छा विश पूरी कर दी, अंदर गया। वापस विश मांग, बस एक ही विश मांगनी थी। एक ही पूरी हो जाए, एक ही पूरी हो जाए। यस, उसी से सारी विश कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, नाउ योर टर्न। वैसे तो इन चीजों में बिलीव नहीं करता, लेकिन आपने करा है विश, वेल मैं भी कर लेता हूँ, एक विश मैं भी मांग लेता हूँ। दो घंटे ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं ग्रेनाइट आइलैंड। टीना आगे आगे है, मैं पीछे। अराउंड दो घंटे की जो रहेगी वो यहाँ पे इधर से स्टार्ट करेंगे और इसका ओवर लैप लेंगे और इस साइड से आएंगे वापस, और वापस हम वापस अपनी गाड़ी के पास आएंगे और घर जाएंगे। ये ग्रेनाइट आइलैंड है ना? यस। ओके, ये ट्रैकिंग है। वो जैसे वो लोग चल के आ रहे हैं ना ऊपर से, देखो अगर वो बहुत पीछे उसके। क्या देख लिया?
क्लियर है, दिख रहा है नीचे, यहाँ पे नीचे गंदी है, वैसे सी वीड है सारी यहाँ पे। चलो आ जाओ। गाइस एक और ग्लिम्स करेगा थाईलैंड की, जहाँ से बिल्कुल ट्रैकिंग स्टार्ट होएगी, यहाँ से जो स्टेज इससे स्टार्ट होएगी ऊपर, काफ़ी अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस साइड से। After this scary view, guys, we moving forward. अभी के लिए सिर्फ इतना ही स्पीड में, चलिए आगे चलते हैं। काफी ज्यादा रिड़ाना थोड़ा बच के। तो आप आगे जा ही क्यों रहे हो? बस खत्म होगी, धूप आ गई। कोई बात नहीं, चार जो जो मैं जादू थोड़ी खाती हूँ, चार जो जो जादू आप हो, आपको धूप चाहिए नहीं? काफी एक फ्रीजिंग कोल्ड वेदर था सुबह, अच्छा लग रहा है अब काफी धूप निकली है तो। मुझे भी अच्छा लग रहा है, हम वापस जा रहे हैं तो। अब तो थोड़ी सी रह गई यार, क्यों डर रही है? घबराया मत कर, तेरे साथ मैं हूँ। तुम तो कभी तो डर लग रहा है। क्यों भाई? नहीं फेंकता, सात वचन लेके आया हूँ, सात फेरे भी लिए। पहले मैं चला लेफ्ट पे, दो मिनट रो मत, आ गयो। जंगल नहीं है ये, काइंड ऑफ जंगल ही है। बूटिया पेड़ कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहां से आ रहा है, बीच में से कभी क्या निकल के आ रहा है, कभी क्या निकल के आ रहा है। तो इमेजिन शाम के टाइम पे आओ तुम। मैं तो आऊ ही ना, मरमरा दूं एक बार, मेरा भोग भोग पड़ जाए, तुम्हें लाश भी ना मिले। मेरे को बहुत डर लगता है। I know, it's scary, but... बस मेरी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा तुमने अभी scary? जब आउटबैक में सब जगह घूम लेना, यहाँ मत आना, क्योंकि यहाँ पे भूतिया पेड़ भी हैं जो इधर से गिर रहे हैं, उधर से गिर रहे हैं। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है डार्लिंग, और जंगल ऐसे कि कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तो कैंपिंग के लिए जाना है, बिल्कुल सुनसान आउटबैक ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया या दूसरी स्टेट में देखेंगे, जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल एक्सेस नहीं होगा, सब कुछ अपना लेके जाना पड़ेगा। ऊपर जाओगे? पक्की बात है? ऊपर पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं, एडवेंचर है, करना पड़ेगा, थोड़ा डेयरिंग करना पड़ेगा। करेंगे। चार पांच बंदे सराउंडिंग में रख के फिर करूंगी ना। तो पहले अपने जो व्यूअर्स उनको बोलो, लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे चैनल को, जल्दी बोलो जल्दी। यस, अगर आपको हमारा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करे फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी जरूर करे। ठीक है, अगर ना करे तो? ना करे तो मुक्का पड़ेगा। मुक्का पड़ेगा, ठीक है। ये भी तो गाइस धमकी है, एक तरह की वार्निंग है, अगर सब्सक्राइब करोगे तो बच जाओगे, नहीं तो मुक्का पड़ेगा। तो अभी हमें सिर्फ वापिस जाना है,
वापस उसी ब्रिज से जिस ब्रिज से हम आए थे यहाँ पे, उसी ब्रिज से वापस जाएंगे, अपनी गाड़ी के पास जाएंगे और अपना जो सामान है वो गाड़ी में रखेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं, अब शाम के 5 बज चुके हैं, एक अर्ली डिनर कर लेते हैं, उसके बाद हम सिर्फ घर जाएंगे। 3 घंटे की जो ड्राइव वापस करेंगे। आई होप सबको आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही व्लॉग नए नए लाते रहें तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करिए, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। जैसे जैसे आप लाइक करेंगे वो वैसे वैसे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी नए व्लॉग्स को लेके आने की। तो आई होप आप ज़रूर करेंगे सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट भी करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।